हेलो क्लास सेकंड, टुडे वी विल डू एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 4 ग्रोइंग अप एंड आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज टेक द करेक्ट ऑप्शन। टेक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उनके थ्री ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक करना है। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स, यहाँ पर आप थ्री ऑप्शंस दिए हुए हैं, ग्रो, डू नॉट ग्रो एंड रिमेन्स द सेम। यू नो लिविंग थिंग्स, हमने चैप्टर में पढ़ा कि लिविंग थिंग्स जो हैं, सारी ही लिविंग थिंग्स जो हैं वो क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं, है ना। आप किसी भी लिविंग थिंग को देख लीजिए, यहाँ पर आप पिक्चर भी देख रहे हैं कि अगर आप लेते हैं बेबी, हम लोग ह्यूमन बीइंग को लेते हैं तो सबसे पहले बेबी होता है, फिर चाइल्ड, देन टीनेजर, देन एडल्ट, देन ओल्ड मैन। तो इस तरीके से ये एक प्रोसेस होता है और वो वहाँ पर ग्रो करते हैं। सेम इसी तरीके से आपने चैप्टर में और भी देखा कि ये देखिए सीड, आपको पता है कि प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले क्या होता है, सीड होता है, फिर सीडलिंग होते हैं, यानी कि उसमें से वो जर्मिनेट होकर के इस तरीके से छोटा प्लांट बनता है और उसके बाद में फिर वो प्लांट बनता है और धीरे धीरे करके फिर वो ट्री में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से देखिए, अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं, बर्ड्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। और बर्ड्स कैसे बर्ड्स तक पहुँचती हैं, सबसे पहले क्या होता है, एग, देन नेक्स्ट एग में से क्या निकलता है, नेस्टलिंग, देन उसके बाद वो बड़ी होकर के बर्ड बनती है ना। तो इस तरीके से सारे ही लिविंग थिंग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, टिक करेंगे ग्रो पर। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज चेंज करके देखिए। नेक्स्ट है आपका, द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ अ फैमिली इज, आपकी फैमिली का जो सबसे बड़ा जो मेंबर होता है वो कौन होता है, चाइल्ड तो छोटा होता है, और उसके बाद क्या बनते हैं, फादर, और उसके बाद ग्रैंडफादर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ग्रैंडफादर, द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज ग्रैंडफादर। ओके, नेक्स्ट, द थिंग आई वॉन्ट इट एज अ बेबी इज, जब मैं छोटा था, मतलब छोटा हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मुझे क्या चाहिए होगा, जब मैं बहुत छोटी थी या आप बहुत छोटे थे तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, बुक की। क्या आप बुक पढ़ सकते हो, पैदा होते ही कोई भी बच्चा बुक पढ़ सकता है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता ना, क्योंकि वो ग्रेजुअली बड़ा होगा, उसके बाद में वो स्कूल जाएगा, उसके बाद उसको बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। आप बैट, क्या वो चलने से पहले ही खेलना स्टार्ट कर सकता है, क्या बैट बॉल लेकर के खेल सकता है, बिल्कुल भी नहीं खेल सकता ना। यस, तो बैट बॉल खेलने के लिए भी पहले वो चलना स्टार्ट करेगा, उसके बाद वो खेलेगा। अ मिल्क बॉटल, यस दिस इज ट्रू, कोई भी जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको क्या चीज़ चाहिए होती है, या तो वो लेटे रहता है या उसको दूध की बॉटल उसको मुँह में लगा देते हैं, वो भी उसके पेरेंट्स ला करके देते हैं या फैमिली मेम्बर्स और भी घर में जो होते हैं वो उसको मुँह में बॉटल डालते हैं, वो खुद से उसको भी नहीं ले सकता है, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, यस अ मिल्क बॉटल, दिस इज करेक्ट। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज करेंगे आप अपनी नोटबुक में प्रॉपर गुड हैंड राइटिंग में। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप। आप यहाँ पर आपको देखिए पूरा प्रोसेस दिया हुआ है और इसमें से आपको जो ऑड है उसको क्या करना है, आपको सर्कल करना है। नंबर वन देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीड को सो करते हैं सॉइल के अंदर, फिर उसके बाद क्या होता है, सीडलिंग, देन उसके बाद क्या बनता है, प्लांट बनता है, नेस्टलिंग तो जो बर्ड होती है यानी एग जो होता है एग में से निकलता है, दिस इज ऑड। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है आपका बेबी, चाइल्ड, एडल्ट,
अंकल। अब देखिए इसमें बेबी, बेबी के बाद ग्रो होकर के बनता है चाइल्ड, और चाइल्ड के बाद ग्रो होकर बनते हैं एडल्ट। तो अंकल तो एक फैमिली मेंबर हुआ, तो इसको आप क्या कर देंगे, इस तरीके से सर्कल कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से योर टुडेज होमवर्क इज यू हैव टू डू एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी इन योर नोटबुक इन गुड हैंड राइटिंग। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैप्टर का नेम डालेंगे, चैप्टर नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, और उसके बाद हार्ड वर्ड्स लिखने के बाद ये एक्सरसाइज ए और बी आप नेक्स्ट पेज पर स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जो आपकी जो लेफ्ट पेज है, जो ब्लैंक पेज है, उसमें आपको क्या करना है कि देखिए, आपको चैप्टर में आपने यहाँ पर देखा ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है, अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। तो इस तरीके से ये आपको पूरा जो यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है कि सीड सॉइल के अंदर सीड है, फिर उसके बाद यहाँ पर सीडलिंग और किस तरीके से वो प्लांट में चेंज हो रहा है, ये पिक्चर आपको क्या करनी है, लेफ्ट साइड के ब्लैंक पेज पर ड्रॉ करनी है। ओके, और इसके अलावा आप ये वाली पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, अ बर्ड ग्रोज फ्रॉम एन एग, किस तरीके से बर्ड जो है वो एक एग में से जो है ग्रो करके तैयार होती है। तो ये वाली पिक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं या ये वाली, इन दोनों में से कोई भी एक पिक्चर आपको अपने लेफ्ट साइड के पेज पर ड्रॉ करनी है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग नेक्स्ट रिमेनिंग एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय।